मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों की बहाली के लिए इकदामात का ऐलान आज होगा। सदर ट्रंप कहते हैं कि बेशतर रियासतों में लॉकडाउन उठाने के मुतालिक रहनुमा उसूल आज जारी किए जाएंगे। अमरीकी सदर ने WHO को फिर आड़े हाथों लिया, कहा लगता है उन्हें इल्म था कि क्या हो रहा है। WHO पर भरोसा करना और सरहदें जल्द बंद ना करना गलती थी। अमेरिका की तरफ से फंडिंग रोकने पर आलमी अदारे सेहत के सरबराह का इजहार अफसोस। अमेरिकी फंडिंग रुकने के इसरार का जायजा लिया जा रहा है। शराकत दारों से मिलकर माली खला पुर करने की कोशिश करेंगे। G20 का तरक्की पजीर मुल्कों से कर्ज वापस इस साल के आखिर तक रोकने का फैसला। सऊदी अरब की सरबराही में G20 के इजलास में अहम फैसले। सऊदी वजीर खजाना ने कहा कि इस इकदाम से तरक्की पजीर मुल्कों को 20 अरब डॉलर का रिलीफ मिलेगा। IMF और आलमी बैंक के सरबराहों का G20 के फैसले का खैर मकदम। वजीर आला मुराद अली शाह कहते हैं कोई ये समझ रहा है कि इन्फेक्शन की शराह कम है तो वो गलत है। मोटरसाइकिल पर बच्चों के साथ जाने पर सख्ती से पाबंदी होगी। प्लम्बर दर्जी हजाम की दुकानें खोलने की इजाजत नहीं दे रहे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का सोशल मीडिया पर आला अदलिया के खिलाफ मुहिम का सख्त नोटिस। DGFIA को तहकीकात का हुक्म दे दिया। अदलिया मुखालिफ मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए टीम तश्कील देने की हिदायत भी की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा अदलिया मुखालिफ मुहिम चलाने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट के सामने गैर संजीदा रवैया। वजीर आजम के मुआवने खसूसी सेहत की सरजनिश। जराए के मुताबिक इमरान खान ने जफर मिर्जा के रवैये पर काबीना इजलास में इजहार नाराजी किया। जफर मिर्जा अदालत के सवालात का तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके थे। वजीर आजम ने कहा हुकूमत सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस को इज्जत की निगाह से देखती है। पावर सेक्टर इंक्वायरी रिपोर्ट। वजीर आजम के मुआवने खसूसी नदीम बाबर IPPs के दिफा में सामने आ गए। इमरान खान की पॉलिसी की बजाय IPPs के शाना बशाना खड़े हो गए। वफाकी वजीर उमर अयूब को खत लिखकर इंक्वायरी रिपोर्ट पर इजहार मायूसी किया। कहा IPPs पर इल्जाम के बजाय एतमाद का माहौल बनाया जाए। ओरियंट ने 2 अरब नहीं सिर्फ 16 करोड़ रुपए फ्यूल खपत में बचाए। नदीम बाबर ओरियंट पावर में हिस्सादार है। मुफ्ती तकी उस्मानी और नूरुल हक कादरी का टेलीफोनिक राब्ता। रमजानुल मुबारक में लॉकडाउन के दौरान बाजमात नमाज के मामले पर बातचीत। तकी उस्मानी कहते हैं वफाकी वजीर ने उलमाए कराम के एलामिये को मतवाजन करार दिया। उधर नूरुल हक कादरी ने प्रोग्राम हो क्या रहा है में कहा उलमा की गिरफ्तारियों और मुकदमात के बायस मुफ्ती मुनीब और दीगर उलमा का लहजा कुछ सख्त था। मुतालबात सुनेंगे और दरमियानी रास्ता निकाला जाएगा। पंजाब के वजीर हाफिज अमार यासी ने फवाद चौधरी के उलमाए कराम के बारे में बयान को अफसोसनाक और गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। वजीर आजम से बयान पर फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। कहा वुजरा मुल्की हालात की नजाकत और अपने मनसब का ख्याल रखें। इस वक्त मुल्क किसी किस्म की तफरीक तकसीम और इल्जाम तराशी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मसाजिद में बाजमात नमाज की अदायगी का मामला है। कराची की मुख्तलिफ मसाजिद में जरासीम कुश स्प्रे किया गया। कराची में पुलिस की कार्रवाई। अंदरून मुल्क जाने वाले 100 से ज्यादा मुसाफिर गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक सुपर हाईवे टोल प्लाजा से 5 कोस्टर्स में सवार कई अफराद दीगर शहरों को जा रहे थे। मलीर से कंटेनर में सवार 35 अफराद को पकड़ लिया गया। कंटेनर में सवार अफराद रावलपिंडी जा रहे थे। बलूचिस्तान में सूबाई वज़रा के इस्तीफों के मामले का ड्रॉप सीन। वजीर आला जाम कमाल खान नाराज अराकीन को मनाने में कामयाब। 3 वज़रा 1 मशीर और 1 खातून रुकने असेंबली का इस्तीफा वापस लेने का ऐलान।
पहली बार वर्चुअल मुशायरे का अहतमाम किया गया। अकादमी अदबियात पाकिस्तान के जेर अहतमाम ऑनलाइन मुशायरे में पाकिस्तान समेत 11 मुल्कों से शायरों ने कलाम पेश किया। फैसले कर रही है और ये ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी हो गया है कि मैंने पिछले कुछ दिनों के अंदर सुना है जिम्मेदार सियासी लीडर्स जो हैं उन्होंने भी कुछ ऐसी बातें की हैं कि कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो मैं आपको ज़रा सी तफसील में बताना चाहता हूँ कि कोऑर्डिनेशन कैसे की जा रही है और जितने भी लोग पाकिस्तान में इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर काम करते रहे हैं उन सबकी मुश्तरका राय ये है कि आज तक पाकिस्तान की तारीख में कभी भी किसी इमरजेंसी हालात के अंदर इतनी ऑर्गेनाइज तरीके से, इतनी मुनज़्ज़म तरीके से आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं की गई जितनी आज की जा रही है वफाक तमाम सूबे आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान सबके दरमियान। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी इस निज़ाम के ऊपर जो सबसे बड़ा फोरम है वो है, वज़ीर आज़म चेयर करते हैं, तमाम सूबाई वज़रा आला और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म जो हैं वो उसके अंदर शिरकत करते हैं और उसके अलावा कुछ वफाकी वज़रा भी होते हैं। मेरी गिनती के मुताबिक आज NCC का नवा इजलास था, यानी कि जब से ये फोरम बना है तो पिछले एक माह के अंदर लगभग 9 दफ़ा इसकी मुलाकात हो चुकी है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कोई हफ्ते में कोई तकरीबन औसतन 2 दफ़ा मुलाकात होती है। मैं ये भी बार बार लोगों को याद दिलाता हूँ कि इस वक्त ये लोग जो शिरकत करते हैं, जो सूबाई वज़रा आला हैं, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के वज़ीर आज़म हैं, ये 4 मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से ताल्लुक़ रखते हैं। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की इस वक्त हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है, सिंध की हुकूमत इस वक्त पीपल्स पार्टी के पास है, बलोचिस्तान अवामी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं बलोचिस्तान के वज़ीर आला और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा और वफाक में तरीके इंसाफ की हुकूमत है। तो ये तो जो ऊपर निज़ाम है उसको और मज़ीद स्ट्रेंथन करने के लिए, ताकि ये तो पॉलिसी साज फैसले करेंगे उसके बाद उन फैसलों के ऊपर अमल दरामद करवाना और वो तब ग्राउंड से सारा काम करके वो रिसर्च जिसका भी कुछ का जिक्र कर रहे थे जफर मिर्ज़ा साहब, कुछ उसका हमाद अज़र जिक्र करेंगे, कुछ उसका मोहित यूसुफ करेंगे, ये तमाम जो मुख्तलिफ उसके पहलू हैं उसकी कोऑर्डिनेशन करके रिसर्च करके आपस में मुशावरत करके NCC के सामने फैसले रखने की जिम्मेदारी नेशनल कमांड सेंटर के पास है। नेशनल कमांड सेंटर रोज़ाना मुलाकात करती है, रोज़ सुबह 10 बजे हम मुलाकात करते हैं और जब से नेशनल कमांड सेंटर बनी है ये हर रोज़ मुलाकात हुई है, चाहे वो हफ्ता हो या इतवार हो, रोज़ाना मुलाकात होती है। कुछ हम उसमें वफाकी वज़रा हैं, उसके अलावा तमाम सूबों के चीफ सेक्रेटरीज होते हैं वहाँ पर, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के भी ये तमाम लोग सब बैठते हैं। इसके अलावा एक्सपर्ट अगर कोई ख़ास चीज़ जिस तरह जो नई टेक्नोलॉजी, ये भी बड़ी खुशाइन बात है, आपको अगले 2-3 दिन में हम तफसील बताएंगे कि इससे मुकाबला करने के लिए जो मुख्तलिफ इक्विपमेंट जो बनाने हैं, जो मुख्तलिफ मेडिकल जो सप्लाईज देनी है वो पाकिस्तान में किस तरीके से हम डेवलप करने की कैपेसिटी बना रहे हैं, उसके लिए हमने फवाद चौधरी साहब को बुलाया हुआ था और मुख्तलिफ लोग इस तरीके से आते रहते हैं। उन फैसलों के ऊपर अमल दरामद करवाना और वो तब ग्राउंड से सारा काम करके वो रिसर्च जिसका भी कुछ का जिक्र कर रहे थे जफर मिर्ज़ा साहब, कुछ उसका हमाद अज़र जिक्र करेंगे, कुछ उसका मोहित यूसुफ करेंगे, ये तमाम जो मुख्तलिफ उसके पहलू हैं उसकी कोऑर्डिनेशन करके रिसर्च करके आपस में मुशावरत करके NCC के सामने फैसले रखने की जिम्मेदारी नेशनल कमांड सेंटर के पास है। नेशनल कमांड सेंटर रोज़ाना मुलाकात करती है, रोज़ सुबह 10 बजे हम मुलाकात करते हैं और जब से नेशनल कमांड सेंटर बनी है ये हर रोज़ मुलाकात हुई है, चाहे वो हफ्ता हो या इतवार हो, रोज़ाना मुलाकात होती है। कुछ हम उसमें वफाकी वज़रा हैं, उसके अलावा तमाम सूबों के चीफ सेक्रेटरीज होते हैं वहाँ पर, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के भी, ये तमाम लोग सब बैठते हैं। इसके अलावा एक्सपर्ट अगर कोई ख़ास चीज़ जिस तरह जो नई टेक्नोलॉजी, ये भी बड़ी खुशाइन बात है, आपको अगले 2-3 दिन में हम तफसील बताएंगे कि इससे मुकाबला करने के लिए जो मुख्तलिफ इक्विपमेंट जो बनाने हैं, जो मुख्तलिफ मेडिकल जो सप्लाईज देनी है वो पाकिस्तान में किस तरीके से हम डेवलप करने की कैपेसिटी बना रहे हैं, उसके लिए हमने फवाद चौधरी साहब को बुलाया हुआ था, मुलाकात करती है, रोज़ सुबह 10 बजे हम मुलाकात करते हैं और जब से नेशनल कमांड सेंटर बनी है ये हर रोज़ मुलाकात हुई है, चाहे वो हफ्ता हो या इतवार हो, रोज़ाना मुलाकात होती है। कुछ हम उसमें वफाकी वज़रा हैं,
उसके अलावा तमाम सूबों के चीफ सेक्रेटरीज होते हैं वहाँ पर, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के भी, ये तमाम लोग सब बैठते हैं। इसके अलावा एक्सपर्ट अगर कोई ख़ास चीज़ जिस तरह जो नई टेक्नोलॉजी, ये भी बड़ी खुशाइन बात है, आपको अगले 2-3 दिन में हम तफसील बताएँगे कि इससे मुकाबला करने के लिए जो मुख्तलिफ इक्विपमेंट जो बनाने हैं, जो मुख्तलिफ मेडिकल जो सप्लाईज देनी है, वो पाकिस्तान में किस तरीके से हम डेवलप करने की कैपेसिटी बना रहे हैं, उसके लिए हमने फवाद चौधरी साहब को बुलाया हुआ था।